इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। मुकदमा लड़ रहा है इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, तो इस पर जवाबी वार हो सकता है। अब वही हुआ है और बाकायदा लड़ाई का आगाज हो गया है। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान अब बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है और सिफारती सतह पर खुलकर सामने आ गई है। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। पहली चीज, पाकिस्तान की तरफ से जो करारदाद पेश की गई थी वो मंजूर हो गई है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंसानी हुकूक की जो काउंसिल है अक़वामे मुत्तहिदा की, उसमें पाकिस्तान ने करारदाद पेश की थी जो कि मंजूर हो गई है। अब आप इस करारदाद को ही अगर देखेंगे, इसकी नंबर गेम को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसराइल ने जो जवाबी धमकी दी है वो क्यों दी है। इसराइल की वजारत खारजा ने बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया है, और ये वजारत खारजा इसराइल की पाकिस्तान को जब निशाना बना रही है, उसके अल्फाज से, उनके वो जो मैनेजर हैं जिसने पहले ट्वीट किया, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसराइल कहाँ कहाँ पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा। कुछ तो जारी तौर पर वार कर सकता है और बहुत से वार खुफिया भी हो सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान को भी इसे तैयारी करनी होगी। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। ताज़ा खबर यह है कि अक़वामे मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हो गई है। अब आप देखिए के जनीवा से ये खबर है, अक़वामे मुत्तहिदा ने गजा जंग में जंगी जराइम की तहकीकात के लिए इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि इसराइल का रिएक्शन ही बता रहा है कि इसराइल कितना खिलाफ बोल रहा है इस करारदाद के, अमरीका क्या कह रहा है इस करारदाद पर। क्योंकि जंगी जराइम की तहकीकात हो जाए तो साफ पता लग जाएगा कि इसराइल ने जंगी जराइम किए हैं, और ये दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म होता है, और उसके बाद उस रियासत के खिलाफ इकदाम उठाए जा सकते हैं। अब जिनीवा में अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें गजा के इलाके में इसराइली बमबारी के दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम से मुतालिक आलमी तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की करारदाद को मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया है कि मुस्तकिल आजादाना तहकीकती कमीशन कायम किया जाएगा जो 11 रोज तक जारी रहने वाली इसराइली बमबारी और हमास के मिसाइल हमलों के दौरान गजा, मगरबी किनारे, मकबूजा बैतुल मक़दस और इसराइल में मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगा। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल के इजलास में आजादाना तहकीकती कमीशन के क़याम की करारदाद इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के तवस्सुत से पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, OIC पीछे था, पाकिस्तान सामने आया, क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता बराह रास्त इसराइल से पंगा लेना। पंगा वो तो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, तो एक है कि OIC चले जी, हम सारे मजबूर थे, OIC में दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन उनमें से एक मुल्क उठकर सामने आता है और वो खड़ा होता है और सबसे ज़्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करता है और सामने आता है, यानी बिल्कुल सीना तान कर सामने आ रहा है कि खड़ा है कि हाँ मैं ये लेकर आ रहा हूँ करारदाद। तो फिर इसीलिए इसराइल ने जवाबी वार बराह रास्त सिर्फ पाकिस्तान पर ही किया है। उस पर भी हमें आते हैं, BBC ने इस खबर को भी छाप दिया है कि वजारत खारजा क्या कर रही है इसराइल की। ये तो वो है जो वाजाहत के साथ सामने आकर जो वार किया जा रहा है। छुपके तो आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से फेसबुक का इस्तेमाल किया गया इसराइल के हक में, और यहाँ से फंड इकट्ठा करने की कोशिश की गई, फिर अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इशार फैलाने के लिए, अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इस तरह के ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बहरहाल, अब आप देखिए कि ये जो करारदाद थी इसके हक में 24 वोट दिए गए और मुखालिफत में 9 वोट आए, जबकि भारत समेत, ये बड़ी अहम बात है, भारत समेत दीगर 14 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो अब वो कह जी ताकि हम दोनों को खुश कर दें, फलस्तीन को कहें देखे हमने आपके खिलाफ तो नहीं वोट दिया, 9 लोगों में तो हम शामिल नहीं हैं, अगरचे 24 में नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। वो कह के इसराइल को भी ये कहेंगे कि जी हम मजबूर थे, देखें हमने आपके खिलाफ वोट नहीं दिया, और फलस्तीनियों को कहेंगे देखें हमने ये किया कि हम सरकार पाकिस्तान जो इतनी इसराइल पे तनकीद कर रहा था इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, और इसराइल जो है वो जालम है और मिलिट्री का डिस्प्रोपोर्शनेट यूज कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर, तो आज फिर इसराइल ने
इसका एक जवाब दे ही दिया। इसमें इसराइली जो फॉरेन ऑफिस है उसके जनरल मैनेजर हैं एलन यूशिपर्स ने जो है वो पाकिस्तान पे तनकीद की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बहुत ज्यादा होती हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा चैंपियन बन रहा है इंसानी हकूक का, और शायद शीशे के घर में बैठ के तो दूसरों के बारे में बात कर रहा है, और शीशे के घर से मुराद यह है कि आपको पता नहीं है कि बाहर की है हमारी, हम जिस सूरत हाल में रह रहे हैं या हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। ये चीज इसराइल के जो जीएम है उनके फॉरेन ऑफिस के उन्होंने ये बात की है, और साथ में ये भी कहा कि इसराइल जो है वो अकेली डेमोक्रेसी है मिडल ईस्ट के अंदर, और पाकिस्तान गुरु ने कहा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, हिपोक्रेसी इज एट इट्स बेस्ट। अब पाकिस्तान जो है वो आपको याद है व्यूअर्स के शाह महमूद कुरैशी यूएन गए, हर जगह गए, वैसे तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे लगता है कि जैसे वो सिर्फ मुसलमान ममालिक के ही फॉरेन मिनिस्टर हैं, आज वो इराक गए हुए हैं, उससे पहले टर्की गए हुए थे, सऊदी अरब गए हुए थे, तो वो ज्यादातर जो है वो इस्लामिक ममालिक के टूर वो करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि वजीर आजम इमरान खान की जो फॉरन पॉलिसी है उसमें या इस हकूमत की जो फॉरन पॉलिसी है उसमें कोई दूसरे जो यूरोपियन लैटिन अमेरिकन उधर का कोई इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता है, एशिया पैसिफिक की इधर की तो कभी गए ही नहीं, पता ही नहीं है ये दुनिया भी शायद हमारे शायद जो पाकिस्तान ने नक्शा बनाया उसमें शायद है ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एनी हो पाकिस्तान जो है उसने उस वो अपनी सक्सेस समझता है कि हमने इसराइल को बड़ा जो है वो मजबूर कर दिया, और ये एक जो 24 ममालिक ने एक रेजोल्यूशन लेके आए थे उसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और जो यूएनएचसीआर है, और एक सेशन भी हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया और वहां पे ये कहा गया है। तो यहां से देखा पाकिस्तानी ये पत्रकार है, इनका रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन है इसराइल के मात्र एक ट्वीट के बाद। आप समझ सकते हो इसराइल एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों के नाम लिखकर उनसे मतलब जब तक बदला लेता है जब तक दुश्मन ख़त्म ना हो जाए। पाकिस्तान इसराइल से दुश्मनी ले रहा है तो ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान इस तरीके की दुश्मनी लेना चाहिए पाकिस्तान को, जैसे अभी इन्होंने हाल ही में अमेरिके को अगर अड्डे देने की बात ही की थी और उसके बाद ही तालिबान का जो रिएक्शन था उससे भी मतलब बहुत अच्छा हुआ कि तालिबान ने जो ऐसा रिएक्शन दिया कि हमारे खिलाफ़ अगर किसी दूसरे देश ने अपनी ज़मीन दी तो हम फिर बहुत मतलब उसको लंबे समय तक परेशान करेंगे। तो तालिबान भी पाकिस्तान का दुश्मन बने, इसराइल तो ऑफिशियल आज मतलब धमकी देकर बन गया, और चीन भी अगर अड्डे देने के बाद पाकिस्तान से नाराज़ हो जाए तो इससे अच्छा भारत के लिए कोई बात नहीं होगी। गाइस आपको बता दें कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मतलब बिना किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मुस्लिम उम्मा का नाम लेकर कहीं पर भी ये घुस जाता है। पाकिस्तान मतलब आप समझ सकते हो ये वो देश है जो टर्की अगर कुर्दों को मारे, कुर्द मुसलमानों को मारे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरबी अगर यमन में मुसलमानों को मारे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईरान इराक की वॉर होती है पाकिस्तान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद मारे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी काफिर मुल्क में कुछ भी हो जाए बस कह 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 करने लगते हैं। तो ये हैं पाकिस्तानी। तो गाइज अब इनके बारे में और क्या बोलें, आपको भी पता है इसराइल ने तो ठोक पेल के अच्छा पेला, और उसके बाद फिलिस्तीनी अगर वो सीज़ फायर जो भी एग्रीमेंट हुआ उसके बाद फिलिस्तीनी सेलिब्रेट करने लगे तो पाकिस्तानी मीडिया में चलने लगा कि फिलिस्तीनी जीत गए जंग। ये उसी तरीके की जंग जीते हैं फिलिस्तीनी जैसी पाकिस्तान इंडिया के साथ जीता है। आपको भी पता है पाकिस्तान इंडिया के साथ जो 65 की वॉर थी उसको सेलिब्रेट करता है हारने के बाद, मतलब पाकिस्तान में उसमें सेलिब्रेशन का पॉइंट ये है कि हमने लाहौर को डिफेंड किया। अरे भैया अटैक में तुम थे फिर तुम डिफेंड में कैसे आ गए, तुम जम्मू कश्मीर लेने के लिए घुसे तो तुम फिर लाहौर को डिफेंड कैसे करने लगे। आपको भी पता होगा दोस्तों पाकिस्तान उस समय जम्मू कश्मीर पर अटैक कर रहा था तो इंडियन आर्मी ने एक स्टैंड लिया कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाहौर की तरफ गोलीबारी और घुसना चालू कर दिया, तो पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर में जो आर्मी थी वो वहां से निकलकर यहां पर आ गई। तो मतलब इंडियन आर्मी का तो मिशन सक्सेसफुल हुआ कि
कश्मीर पर भी ये कुछ नहीं कर पाए और लाहौर जो उनका था उन्हीं का है। भारत का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि भारत लाहौर में जाकर कब्जा कर ले। तो दोस्तों पाकिस्तान के भी लॉजिक अजीब से हैं। पाकिस्तान उसी लॉजिक पर अपनी जंग डिक्लेयर कर देता कि मैं जीते हुए हम 65 की जंग, और ये 65 की जंग जीते हुए पर अपना कुछ जो भी इनका होता है, मतलब मुझे नहीं पता कोई डे सेलिब्रेट करते हैं ये, तो वो तक सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके की जंग अभी फिलिस्तीनियों ने भी जीती। अच्छा पेले गए, पेल पेल कर पूरी बिल्डिंगें उन्होंने इसराइलियों ने मारी, और जब तक वो मार मार कर थक गए उसके बाद उन्होंने कहा चलो यार सीज़ फायर का एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने फटाके वटाके फोड़ दिए और उसके बाद भी उन्होंने पेला, तो उसी तरीके की जंग पाकिस्तान भी जीता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।